नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जैसे कि बता दें कि कल हमारी टीम पहुंची थी आशीर्वाद हॉस्पिटल में और फिर आज इसी बीच पहुंची है, क्योंकि यहां पे एक ऐसे महिला डॉक्टर हैं जो वाकई में समाज के लिए और यहां के क्षेत्र के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम करती नजर आएंगी और शुरू कर चुकी हैं। यानी कि बहुत ही रेयर केस होता है जब महिलाओं को परेशानी होता है और वो ढूंढती है कि काश कोई बेहतर महिला डॉक्टर मिल जाए जिससे हम लोग इलाज करा सकें। तो सिवान शहर में बैठना शुरू कर चुकी हैं डॉक्टर मैडम, यानी कि डॉक्टर नीलम ओपी सोनी मैडम, जो कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में ही बैठ रही हैं। डॉक्टर विकास कुमार सर के जो है उनकी धर्मपत्नी है। और आइए आज बात करते हैं, फिर हम पहुंचे हुए हैं कि मैडम यहाँ पे क्या क्या सेवा दे रही है। तो मेरा भी यही है कि हम लोग इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ और मैं इमरजेंसी से रिलेटेड सब कुछ ट्रीट करती हूँ, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, स्ट्रोक हो, या हार्ट अटैक हो पेशेंट को, या कोई भी छाती में जैसे सड़न जिसको मतलब सांस लेने का दिक्कत हो, चाहे वो आस्थमा के वजह से हो, निमोनिया के वजह से हो, इन सब चीजों को, या फिर पेट दर्द का कई कारण होता है जिसमें कोई कोई चीज लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, इन सब चीजों को हम लोग इधर ट्रीट करते हैं। यानी कि कहा जाए इमरजेंसी सेवा, जैसे अचानक देखा जाता है ये बहुत सारी महिलाओं को मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो गया है, तो वो पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आके इमीडिएट मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। आजकल देखा जा रहा है मैडम कि जैसे कि 18 साल की लड़कियां हैं या 20 साल की लड़कियां, 22 साल की लड़कियां हैं, वो अचानक मतलब सर चकरा जाता है, गिर जाती हैं, तो कई तरह का उनका मतलब इमरजेंसी उसको मानते हैं हम, तो वो उस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। ये इनिशियल डेज जो जैसे आप बोल रहे हो यंग फीमेल में ये चक्कर आना, वो कई कारणों के वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग सब जांच करेंगे और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी चलेगा। यानी कि अब महिलाओं में जो मतलब परेशानियां है, कहीं ना कहीं चीजें देखा जाएगा उनका हार्ट अटैक में, अच्छा महिलाओं में आजकल देखा जाएगा कि मतलब उनका बहुत मतलब दर्द बॉडी में कहीं भी आ जा रहा है, तो इस तरह का भी ऐसे इस तरह का भी पेशेंट को जैसे लेट बूढ़े औरतों में हार्मोन चेंजेस के वजह से बहुत सारे दिक्कत आते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। महिलाओं में देखा जा रहा है कि मतलब यहाँ से लोग भटक रहे हैं, कोई पटना या दिल्ली या गोरखपुर जा रहा है, तो इस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आके सारा ट्रीटमेंट उनका इधर हो जाएगा। मतलब माइग्रेन हो गया, इमरजेंसी में हो गया, सर दर्द, मतलब बहुत लोग ऐसा सर दर्द करता है वो छूटता ही नहीं है, कई सालों से लगता है कि ये मतलब इसका मेडिसिन चलता है, कोई दिल्ली पटना गोरखपुर दिखा चुका है, हार चुका है, तो इस तरह के पेशेंट से मतलब क्या अपील करिए कि पेशेंट यहाँ पे आएंगे तो उनको रिलीफ मिल सकता है और उनको राहत मिलेगा। ऐसे मतलब सर दर्द और ये सब अक्यूट इमरजेंसीज जो भी आएंगे उनको इमीडिएट रिलीफ भी मिलेगा और वो हमारे पास फॉलो अप पे रह सकते हैं, सो दैट उनका आगे भी ट्रीटमेंट सही से होता रहे। तो क्या उनको ऐसे केसेस में रेफर करने का जरूरत नहीं है, और चाहे कहा जाए कि जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं या इक्विपमेंट्स लगते हैं हमारे पास सब अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वेंटिलेटर हो, डिफिब्रिलेटर हो, सब अवेलेबल होंगे, सो कहीं पे भी रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। यानी मैडम यहाँ पे आप MBBS DNB इमरजेंसी मेडिसिन है, तो इस तरह का जो पेशेंट मतलब कहीं ना कहीं तलाश था कि अच्छे डॉक्टर मिले, और सिवान में मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी सेवा में मतलब ये हॉस्पिटल अच्छा काम करेगा, लोगों को मतलब बेहद कम पैसों में कम मतलब राहत दे पाएगा इमीडिएट। हाँ, बिल्कुल कर। यहाँ पे डॉक्टर साहब और आप दोनों आदमी मिलकर हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं और सेवा देना शुरू कर चुके हैं। आप क्या अपील करिएगा लोगों से, सिवान वासियों से क्या अपील करेगा? बस यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अक्यूट इमरजेंसीज हो वो यहाँ वहाँ भटके ना और तुरंत हमारे पास आए, चाहे वो कोई भी टाइम पे समय पे हो, चाहे लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो, कभी भी वो यहाँ पे आ सकते हैं। और सारे पीडियाट्रिक इमरजेंसीज को भी हम अटेंड करते हैं। सर बताया था कि मतलब बच्चा 6 महीने से बच्चा से लेकर और बूढ़े तक किसी का भी ना, पीडियाट्रिक हो, अडल्ट हो, जीरियाट्रिक हो, सारे इमरजेंसीज को हम लोग यहाँ पे इमीडिएट पेशेंट आएंगे और रिलीफ मिलेगा उनको। जैसे रोड एक्सीडेंट का जैसे होता है, सर ने बता रहा था कि मतलब जैसे बहुत सारी महिलाओं में रोड एक्सीडेंट होता है, तो उनका जैसे कि खून जम जाना, हार्ट में खून जम गया, तो बहुत ऐसे फैमिली वाले होते हैं कि उनका इलाज मतलब डॉक्टर महिला करे, तो वो भी काफी इलाज कर सकते हैं। इमीडिएट रोड एक्सीडेंट्स
में जो भी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होता है यहाँ पे इमीडिएट स्टेबिलाइज करेंगे सारे पेशेंट को। देखिए मैडम यहाँ पे सेवा शुरू कर चुकी हैं, यानी कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में मैडम और डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं। डॉक्टर नीलम ओपी सोनी जो कि MBBS DNB इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे एस्टेब्लिश है, और कहीं ना कहीं आज सिवान में ये जो क्लिनिक ओपन हुआ है डॉक्टर कॉलोनी बीजे आता सिवान बिहार, तो मैडम और डॉक्टर साहब दोनों आदमी मिलकर यहाँ पे सेवा शुरू कर चुके हैं। कई इक्विपमेंट भी कई मशीन भी यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, और आप लोग अगर अच्छा आते हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं और कई बीमारियों का इमरजेंसी यहाँ पे देखा जाएगा। धन्यवाद।